हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। केवीएस बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी भी आई है। तो वेतन जो है यहाँ पर 26,250 आपको मिलेगा, यानी 26,250 तक जो है यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगी। 18 साल से 65 साल तक के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सी टेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है सी टेट, चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो, नहीं मांगा गया है। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है। तो सबसे पहले जो है मेन साइट में अनाउंसमेंट सेक्शन में व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है बिल्कुल देख सकते हो सीरियल नंबर दिए हुए हैं। टाइटल वन है यहाँ पर, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बाल वाटिका क्लासेस, ठीक है, बाल वाटिका क्लासेस के लिए जो है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो 5 नंबर पर नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ठीक है, टूरिज्म और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दो जो है वैकेंसी निकली हुई है, एक बाल वाटिका क्लासेस के लिए और इसके अलावा पीजीटी के लिए भी। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे बाल वाटिका क्लासेस के लिए। तो इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है डाउनलोड कर लिया। वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु सेना स्थल, ठीक है, एयरफोर्स आगरा से है और आगरा आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यानी केवल इंटरव्यू होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा यहाँ नहीं होगी। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, और पिछले जितने भी वीडियो हैं 10-12 दिन के आप देखें, वहाँ पर यदि आप एलिजिबल हैं और जहाँ आप रह रहे हैं वहीं नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय पढ़ रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। इस मंथ तक जो है ये सारी वैकेंसीज हैं केंद्रीय विद्यालय में, उसके बाद जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा और ना ही बाल वाटिका में कोई भी टीचर की वैकेंसी आएगी और ना ही अदर कॉन्ट्रेक्चुअल, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, वैकेंसी आएगी। उसके लिए फिर आपको वेट करना होगा जनवरी फरवरी तक, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल आगरा, यानी एयरफोर्स में जो है ये वैकेंसी आई है, जहां इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है 19 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो 19 जुलाई को आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। यहाँ पर जो है शिक्षक, चाहे कैंडिडेट जो है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, सभी जा सकते हैं, सभी एलिजिबल हैं बाल वाटिका के लिए, ऐसा जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मानदेय यानी प्रति माह जो है पेमेंट मिलेगी 21,250। तो 19 जुलाई को ही जो है वो आप लोगों को साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जो है वो पहुंच जाना है, जहां पर शिक्षक शिक्षिकाओं की चयन सूची के लिए पैनल तैयार होगा और आपका जो है छोटा सा जो है वो डेमो लिया जाएगा। अब बाल वाटिका में छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो यहाँ पर कोई टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। आप बस जो है जो भी आपकी इंट्रो है वो आप वहां पर देंगे और साथ में आपसे छोटा सा डेमो जो है वो पूछा जाएगा, कैसे आप बच्चों को हैंडल करेंगे। तो 8 तारीख को जो है वो आप लोगों को पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 12th में 50% मार्क्स मांगे गए हैं और डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और साथ में बीएड नर्सरी यदि आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। डिजायरेबल यानी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। टीचर एक्सपीरियंस अगर है आपको प्री प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने का, यानी आप अदर जगह पर भी अगर पढ़ाकर आए हो छोटी क्लासेस को, प्री प्राइमरी क्लासेस को, तो भी आप लोगों को जो है वो आगे रखा जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है वो शाम तक चलेगी, यानी आपका जो है पूरा दिन ही लग जाएगा, लेकिन 8 से 11 रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन के समय पहुंच जाएं। तो 19 जुलाई जो है वो आपकी डेट रहेगी। अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। सैलरी जो है वो आप लोगों को मंथली यहाँ पर मिलेगी 21,250। केंद्रीय विद्यालय की सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जो भी टीचर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर लगते हैं, धीरे धीरे जो है वो लोग पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके जब उनका इंटरव्यू होता है और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कहीं पर जो है वो एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कहीं पढ़ाया है, तो आप लोगों के पास एक मौका होगा कहने का कि केंद्रीय विद्यालय में ही जो है वो मैंने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया है। तो सबसे पहले जो है वो आपको रखा जाएगा, इंटरव्यू में मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं।
इसके अलावा जो है वो और भी जो है डिटेल यहाँ पर दी हुई है शिक्षक शिक्षिका बाल वाटिका के लिए, वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है। सबसे नीचे अगर देखेंगे 3 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है, जिसमें सबसे नीचे वाली जो है 3 नंबर की जो फाइल है उसमें केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 1 वायुसेना स्थल आगरा, तो इसकी पूरी जो है यहाँ पर परफॉर्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये लेकर जाना है फिल करके, साथ में अपने डॉक्यूमेंट जो आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में उनकी फोटोकॉपी और जो है 2 फोटोग्राफ अवश्य ले जाएं, ठीक है। एड्रेस जो है वो आप देख सकते हो, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल आगरा यूपी। इसके अलावा जो है वो मेन वेबसाइट जो है वहां पर भी जो है वो आप विजिट करेंगे तो आपको डिटेल में और भी चीजें पता चलेगी, और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है वो डाल दूंगी, तो आप वहां पर जो है जाकर डायरेक्ट जो है साइट पर पहुंच सकते हो। थैंक यू।